बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो इसका औपचारिक ऐलान कभी भी किया जा सकता है और सीट शेयरिंग मामले में चिराग पासवान की जो नाराजगी की बात सामने आ रही है उसको, उस लड़ाई को, उस नाराजगी को बीजेपी खत्म करने में जुटी हुई है। पारस और चिराग दोनों गुटों की ओर से 11-11 सीटों पर दावा किया गया है। वहीं हाजीपुर सीट पर भी दोनों ने दावा ठोका है। लेकिन अब इसमें खबर यह है कि जो ये नाराजगी चिराग पासवान की दिख रही है, कई दिनों से नाराजगी की जो बातें चल रही हैं, इस नाराजगी को कहा जा रहा है कि इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी की ओर से प्लान तैयार किया गया है और इसमें भाजपा जुट भी गई है। तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है और चिराग कैसे मानेंगे इस पर भी प्लान बनाया जा रहा है। जो खबर आई है उसके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो हाजीपुर सीट पर चिराग और पशुपति पारस दोनों गुटों की ओर से दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 11-11 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इसमें यह है कि बीजेपी की ओर से जो है मान मुनवल किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नाराजगी खत्म हो सके चिराग पासवान की, इसको लेकर बीजेपी की ओर से प्लान तैयार कर लिया गया है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता गौतम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, गौतम के पास चलेंगे। गौतम, कहा यह जा रहा है अब बिहार में जो एनडीए में सीट शेयरिंग होनी है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की जो नाराजगी बीते कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, उस नाराजगी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। क्या इस प्लान के बाद अब चिराग पासवान की जो नाराजगी की बातें चल रही है गौतम, क्या वो दूर होंगी? देखिए, चिराग पासवान अपने जीत पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 11 सीटों से कम पे समझौता नहीं होगा। अब सवाल ये है कि 40 सीटों में अगर 11 सीटें चिराग पासवान को दे दी जाए तो आखिर मसला सुलझेगा कैसे? इसके अलावा आप देखिए कि चिराग के चाचा की भी पार्टी है पशुपतिनाथ पारस की, तो ऐसे में चिंता का सबब है कि आखिर 11-11 सीटें अगर बांट दे तो 22 सीटें अगर हम सिर्फ चाचा भतीजे को अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो बाकी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, तो ऐसे में कहीं से भी यह समन्वय नहीं बैठ रहा है। और एनडीए के जो तमाम घटक दल है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग को ऐसा लग रहा है कि 11 सीटों पर तो लोजपा की जो पार्टी है वो सुनिश्चित करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी उनको 5 सीट प्लस 1 सीट देने को लगभग तैयार है, बावजूद इससे ये मानने को तैयार नहीं है। कह सकते मुश्किलें बड़ी है। हालात इस समय एनडीए गठबंधन को लेकर बिहार के राजनीति में उहापोह की स्थिति है। सीटें तय है, बिहार में कुछ 40 सीटें हैं और उन सीटों का बंटवारा को लेकर जो स्थितियां हैं वो अभी बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली में अमित शाह बड़े शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई है, चिराग पासवान से वर्तमान मुलाकात हुई है, लेकिन चिराग पासवान इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल एकदम से अलग मूड में है और पिछली बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। इसके बाद पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने देखना चलो नीति अपनाई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार के निर्णय में यह लग रहा है महागठबंधन से भी कुछ डील हुई हो और शायद वहां 11 सीटें देने की बात हुई, तो ऐसे में अंदर खाने में तब तक स्थितियां साफ नहीं होगी जब तक चिराग की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाते। लेकिन हाल के दिनों में जो चिराग पासवान ने जो वैशाली में सभा की थी उससे तय हो गया कि वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं और इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान इस बार की में हो सकता है कि अगर महागठबंधन में शामिल हो जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये नाराजगी की जो बातें चल रही है उसे एक और जहां
दूर करने की बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं, तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का यह जो मसला है उसे बीजेपी सुलझा पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।